नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी की आज 67वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महिला मंडल अध्यक्ष व कर्मठ और दिग्गज नेता राधा महतो, बीजेपी कोटल मंडल अध्यक्ष सतीश बिसरिया, मांगिर रामजी, बीजेपी कोटल मंडल युवा अध्यक्ष अरुण बसेल ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान राधा महतो ने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया था और मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बड़ी उपलब्धि है। वहीं बीजेपी कोटला अध्यक्ष सतीश बिसोया ने श्याम प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 समाप्त हो उसके लिए आंदोलन चलाया था और एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का नारा दिया था। मांगेराम ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए मार्ग पर चले, विचार के साथ जुड़े और विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही कोटला मंडल युवा अध्यक्ष अरुण बैसला ने कहा कि आज हम सभी उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे आजाद भारत के उन नेताओं में से एक है जिन्होंने अपने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उनका संपूर्ण जीवन उपलब्धियों के साथ साथ त्याग से भी भरा हुआ था। उन्होंने कभी भी अपने आप को पद के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि उन्होंने हमेशा विचार के साथ अपने आप को जोड़ा। साथ ही राधा महतो ने कहा कि वे बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे, उन्होंने वो पद छोड़ा। वो भारत की प्रथम कैबिनेट के सदस्य थे, वह पद भी उन्होंने विचार के लिए छोड़ा और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर भाजपा कार्यकर्ता देश को मजबूत बनाने के लिए अग्रसर है। हमने आज ये बलिदान दिवस इनका मनाया है क्योंकि इन्होंने हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 को वह अमर हुए थे, तो उनकी याद में जगह जगह हर बूथ पर, हर मंडल में, हर बूथ पर हमारे कोटला, ये इस समय हम अपने कोटला मंडल में और रामसिंह हादा बूथ पर हम ये कर रहे हैं प्रोग्राम, तो मंडल अध्यक्ष के थ्रू। और क्योंकि इन्होंने बलिदान दिया था हिंदुस्तान के लिए, तो हम उनका बलिदान दिवस आज के दिन उनकी याद में हम ये सब लोग कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के इसको मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि देश विदेश में ये सूचना जाए कि हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वे हमारे बीच आज भी अमर है और ये अमर ज्योति जो हम लोग एक प्रज्वलित करते हैं वो इसी उसमें करते हैं कि ये हमारी जो अमर ज्योति है ये हमेशा बरकरार रहे, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के दिलों के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यादगार हमेशा ताज़ा रहे, यही सोच करके हमने आज ये बलिदान दिवस का प्रोग्राम अपने मोहल्ले के अंदर ये सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हमने ये एक हमने आपके चेहरे पे मास्क देखा है जिसमें मोदी जी की फोटो लगा रखी है आपने। हाँ जी, ये मास्क तो बीजेपी ने अभी तक नहीं बनवाए हैं। नहीं, ये मास्क है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये मास्क है और ये मास्क लोग रोज पट्टा लगा करके नहीं घूम सकते हैं, यानी मुझे अगर ये बताना है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मेरे बताने के लिए ये मास्क ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रचार है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। वैसे बीजेपी में और मास्क है जिसमें ये बना हुआ है, कमल बना हुआ है जी, पता लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता है, लेकिन मोदी जी की तस्वीर का क्या राज है? ये मोदी जी की तस्वीर का राज है कि हमारे जो देश का हमने जो अपना बाप हमारा एक ही है, हम इस बाप को कभी चेंज नहीं करेंगे और कमल तो है ही है, लेकिन ये हमारा जो बाप है हम ये चाहते हैं कि हमारा ये बाप हमेशा हमेशा अपनी सीट पर बरकरार रहे। मोदी जी हमारे जो आए, इससे पहले ऐसा कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, जो कि ये प्रधानमंत्री हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने आज देश और विदेशों में विदेशों के अंदर हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, स्पेशली हमारे भारत की जो मान सम्मान हमारे भारत को दिलाया है और आगे बढ़ाया है। लेकिन राधा, मैं तो
विपक्षी पार्टियां और कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश में कोई काम ही नहीं किया। नहीं, वो तो एक्चुअली क्या है कि गलत बोलते हैं और गलत बोलते हैं साथ में उनको, जब कोई अच्छा इंसान होता है और उनके हाथ से, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में नहीं है, अब वो ये है ना कि उनको मिठाई खाने को मिल नहीं रही है, मिठाई तो बहुत ऊँची रखी हुई है तो उनका हाथ नहीं जा रहा है, और 60 साल वो नोच नोच करके खाते रहे तो उनको नोच के खाने की, लूट के खाने की आदत पड़ चुकी है, अब वो उनको मिल नहीं रहा है। अगर वो उनको नहीं मिल रहा है तो वो कैसे, उनको तो मोदी बुरा ही लगेगा कि अगर एक इंसान, उनको लग रहा है कि यही हमारे बीच का रोड़ा है, यदि मोदी हट जाए तो हम वापस लूटने खसोटने पे आ जाएंगे, देश को गरीब जनता को किस तरीके से उन्होंने झूठे वादे कर करके लूटा है। आप बताइए 2013 में इसका निर्भया केस हुआ था, उस समय इनकी कांग्रेस की जो थी शीला दीक्षित थी, आज वो स्वर्ग में है हम नर्क में है, शीला दीक्षित जो थी उस समय लोग हाहाकार मचा रहे थे, पूरी रात रोड पे तांडव हो रहा था उस लड़की को लेकर के, लेकिन वो अपना पी करके सोई हुई थी। तो देश इन लोगों ने जो चलाया है वो इस तरीके से चलाया है, आज जो देश चल रहा है दूसरे तरीके से चल रहा है, जो कि इनको भा नहीं रहा है जी। मैं ये कहना चाहूँगा जी, ये हमारी बहुत करवट कार्यकर्ता है राधा जी, और ये 56 नंबर पोलिंग है बूथ हमारा, इस पे इन्होंने हर आज एक बूथ से लेके, हमारे 50 ऐसे बूथ है हमारे पोलिंग पे, इन सभी बूथों पे जैसे अरुण जी ने करा, युवा मोर्चे ने, मांगे राम जी ने करा, अभी घनश्याम सर, हम जा रहे हैं सुबह से, हम 8 बजे से पहले पेड़ लगाए, विश लगाए, पेड़ लगाने के बाद फिर हमारे बूथों पे जा रहे हैं सुबह से, ये ऊपर से हमें प्रदेश ने, जिले ने दिया है। क्या संदेश आपकी तरफ से पूरे देशवासियों को और सभी कार्यकर्ताओं? हमारा यही, एक तो शांति सबसे बड़ी भाई, एक आपका भी हम बड़ा, आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे को आके हमारी बातें सुनते हैं। तो जैसे जिस तरह से आपने राधा जी ने भी बोला था कि जी उनको, और सही बात है, 60 साल से देश को लूट रहे थे, आज उनको चुभन हो रही है विपक्ष को, या आम आदमी हो या कांग्रेस हो। और ये दूसरी बात जी, ये हमारे बूथों पे सब एक एक करके सारे आज कर रहे हैं, और ये हमारे श्याम प्रसाद मुखर्जी, इनका बलिदान हमारा, हम चाहते हैं कि याद रहे आदमी को, जिस तरह से हमारे देश का जवान अमर हो जाता है, इस तरह से हमारे देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, तो हम उसके लिए ये घर घर जाके कर रहे हैं। कारण ये है कि राधा जी हमारी बहुत पुरानी और कर्मठ कार्यकर्ता है, कभी भी काम में पीछे नहीं हटती, बढ़ चढ़ कर आगे रहती है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत काम किया है, लोगों को राशन देना, उनकी दुख दर्द सुनना, उनके पास जाना, जहाँ तक पॉसिबल हो वो करती है। आपका क्या संदेश पूरे देशवासियों? मैं पूरे देशवासियों को केवल एक ही संदेश देना चाहूँगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान नहीं भूलना चाहिए हमें, धारा 370 और 35A के लिए वो लड़े, वो मरे, वो उन्हें हम अमर शहीद मानते हैं, और आज जो धारा 370 हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटाई है, उसको उन्हीं का एक दिशा निर्देश माना जाता है, जिसको कांग्रेस वाले कहते हैं कि 370 नहीं हट सकती, 35A नहीं हट सकता, उन्होंने करके दिखाया कि 370 और 35A दोनों हटा के दिखाए हैं। आज वो लोग चिल्ला रहे हैं कि ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना वादा करा था कि 35A और धारा 370 हटेगी, और वो हटा दिया। BCN न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। सरपतहा थाना क्षेत्र के जरुद्दीनपुर गांव में तालाब में नहाते समय 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। देर शाम 3 शव तालाब में मिलने से कोहराम मच गया। तीनों बच्चों के परिवारों समेत पूरे गांव में मातम होने लगा। उधर आक्रोशित जनता सड़क को जाम करके प्रदर्शन शुरू कर दी। सूचना मिलते ही SDM शाहगंज और CO भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की जांच में जुट गई थी। मिली जानकारी के अनुसार उस गांव के निवासी दारा सिंह मछली पालने के लिए तालाब खुदवाया था। आज उस तालाब में देर शाम गांव की दिनेश गुप्ता का 9 वर्षीय पुत्र वीर गुप्ता, पंचम का 10 साल पुत्र रंजीत कुमार और सूरज का 12 वर्ष पुत्र समीर का शव उतराया मिला। तीनों मासूम बच्चे हैं। उम्र इसमें जैसे आप बच्चे वहाँ घूमने टहलने गए हैं। क्या नाम है आपका? पंचम जी। पंचम नाम आपका बेटा था? हाँ, हमारा लड़किया था जी। उसके बाद वहाँ लेके, वहाँ जब देखा जाता तो दरवाजे पे उनके चड्डी रखी पे, और उसके बाद वहाँ से लगभग 2 बीघे दूर उन लोग की लाश मिली है वहाँ पानी में। और वहाँ ठाकुर मौके थे, जब हम पूछा था कि यहाँ लड़कियों की चड्डी है, ठाकुर वहाँ से भाग गए हैं गाड़ी लेकर के। क्या नाम? नाम ना जानते हम। दारा सिंह। दारा सिंह जी का जमीन है वो है, लेकिन उनके घर के परिवार जो वहाँ रहे ने, काम कराते है, वो भाग गए सब। कितने बच्चे नहाने के लिए गए थे वहाँ? कितने बच्चे गए थे नहाने के लिए? 3 लड़के रहे नहाने के लिए, नहीं घूमने टहलने के लिए जो भी गए हैं। तीनों मौत हो गई। हाँ, अच्छा ये बताइए आप, आपका आरोप क्या है? आरोप का है कि जब ठाकुर वहाँ से भागे हैं, सीधे उसके निष्कट है कि वो उन्हीं ने मार के भागे हैं।
मतलब आप हत्या का आरोप लगा वहाँ सीधी पुलिस क्या कर रहा था, पुलिस क्या कहेंगे पुलिस कह रही कि आपकी मदद करेंगे, मदद उसमें क्या करेंगे, मदद उसको बताएं क्या क्या करेंगे, उसको बुलवाइए तो उसके बाद मदद कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए जौनपुर से ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 पर रात शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में रिटायर्ड दरोगा सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल है जिसे सदर अस्पताल से कानपुर हैलट रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र NH 34 हाईवे की है। देर रात करीब 10:30 बजे शादी समारोह से लौटते समय बाइक में 3 लोग सवार थे। जैसे ही बाइक कानपुर सागर नेशनल हाईवे कुछेचा तिराहे के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद तीनों को कुचलता हुआ निकल गया। हादसे के बाद चालक ट्रक को हाईवे पर खड़ा कर भाग निकला। घटना के बाद तीनों काफी देर तक घटनास्थल में पड़े तड़पते रहे। घटना से मृतकों के घर में कोहराम मचा है। पुलिस दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कर रही है। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। ये चलो किसी बरात से आ रहे थे, तो उधर से चलो की तरफ से आ रहे थे, इधर से ट्रक जा रहा था। ट्रक ने और इसका बाइक का नहीं, दोनों को टक्कर हुआ है सामने सामने। तो दो लोग जो है वहीं पे मौके पे ख़त्म हो गए हैं। एक लड़का जो है वो भी सीरियस है, कानपुर में भर्ती है। बीसीएन न्यूज़ के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। चिरा चिकित्सालय में कोरोना के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। नहीं किया जा रहा है COVID-19 के नियमों का पालन। COVID-19 की दूसरी लहर निकल जाने के बाद नहीं आई लोगों में समझ। डॉक्टर रणदीप गलोरिया ने दी बड़ी चेतावनी। 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है तीसरी लहर। वहीं देखा जाए तो जिला चिकित्सालय आगर दे रहे हैं तीसरी लहर को दावत। चिकित्सालय में डॉक्टर नर्स भी नजर आते हैं बिना मास्क के। जिला चिकित्सालय अधिकारी का नहीं है ध्यान। अवधेश शर्मा से लेकर एक एक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कोरोना वॉलंटियर, समाज सेवी, पुलिस प्रशासन कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारी। तो फिर जिला चिकित्सालय आगर में क्यों बरती जा रही है लापरवाही। भागलपुर साबर मार्ग बनता जा रहा है अपराधियों का गढ़। NH 80 पर बदमाशों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन वारदात पर वारदातें होती जा रही है। 2 दिन पहले सोमवार की रात नालंदा के पिकअप चालक से बदमाशों ने लूटपाट के दौरान सबौर के शंकरपुर गांव के पास पिकअप वैन के ड्राइवर राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसी क्षेत्र के 1 किलोमीटर के अंदर ही फिर गोलीबारी की एक घटना सामने आई। ताजा मामला NH 80 सबौर प्रखंड के बगल के गांव में इंग्लिश गांव के पास का है। बताते चले कि टेंट में काम करने वाले मजदूर पिंटू मंडल और शशि की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सबौर प्रखंड के ममलखा गाँव के मालिक बस्ती के पास NH 80 पर बदमाशों ने बुधवार रात करीब 8:30 बजे काम करने वाले मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पिंटू मंडल उर्फ शशि, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, यह ममलखा गांव का रहने वाला था और इंग्लिश गांव में काम कर साइकिल से घर लौट रहा था। इस दौरान उसकी हत्या हुई। हत्या के कारण का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। बदमाशों ने पिंटू को सर के पीछे सटाकर गोली मारी है, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। छोटे भाई का कहना है कि मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ यह समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले भी गत वर्ष मंजले भाई की गंगा में डूबने से मौत हो गई थी। बताते चले कि पिंटू 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। यह अविवाहित था और काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। गत वर्ष उसके मंजले भाई गोपाल मंडल की गंगा में डूबने से मौत हो गई थी और अब पिंटू की हत्या हो गई। 3 भाइयों में सबसे छोटा चंदन बचा है। आखिर NH 80 पर प्रशासन लगाम क्यों नहीं लगा रही। बदमाश बेखौफ क्यों घूम रहे हैं। हर रात एक घटना क्यों होती है। अंधेरा होने के बाद वहां से लोग गुजरना भी मुनासिब नहीं समझते। क्या यही सुशासन की सरकार है, क्या यही अपना अपराध मुक्त बिहार है। अखिलेश कुमार, पिताजी का नाम बलवानंद, परमानंद या बलवानंद, परमानंद। मकान कहाँ है? अमैया बाजारपुर। जिला क्या पड़ता है? मुंगेर। यहाँ किस लिए आए थे?
बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।